हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल ट्रू रास्ता में आपका स्वागत है। मैं सैयद सदाम आपके साथ आया हूँ फिर एक अपडेट के साथ। एक वैकेंसी निकल के आ रही है पंजाब नेशनल बैंक सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसमें जो है कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही साथ इसका पोस्ट डेट क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है ऑफलाइन या ऑनलाइन, साथ ही साथ इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं और इसे जो है आवेदन किस रूप से करना है, अगर ऑफलाइन करना है तो इसे किस पते पर भेजना है, सारा डिटेल आज हम बताने वाले हैं। और इसमें जो है ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन मोड अप्लाई होगा, वो भी डिटेल हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद जो है फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे करना है सारा डिटेल हम चलेंगे, ले चलेंगे आपको सिस्टम की ओर। उससे पहले हम कुछ मुख्य मुख्य जानकारी है जो आपको अपने माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ये पंजाब नेशनल बैंक सिक्योरिटी गार्ड जिसमें कि 10th एंड 12th पास कर सकेंगे अप्लाई। पोस्ट डेट की अगर हम बात करें तो 14/7/2022 से जो है आवेदन चालू हो गया है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 29/7/2022 को जो है इसका लास्ट डेट है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो बैंक सिक्योरिटी गार्ड, जो कि टोटल पोस्ट आपका 73 है, यानी 73 लोग इसमें अप्लाई करेंगे। अब उसमें किसके लिए कितना सीट है वो तो हम चलेंगे नोटिफिकेशन में जानेंगे। इसमें मुख्य मुख्य चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, साथ ही साथ कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आर्मी रिटायर्ड होंगे जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन जो है ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो जी हाँ, आवेदन ऑफलाइन होगा। और इसको किस पते पे भेजना होगा, चलिए नोटिफिकेशन देखेंगे और फॉर्म को जो है ऑफलाइन कैसे फिलअप करना है वो बताएंगे, साथ ही साथ किस पते पे भेजना है वो बताएंगे। चलिए चलते हैं लैपटॉप। तो आ गए हैं हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे कैसे करना है। नोटिफिकेशन में आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार राज्य के पटना अंचल की शाखाओं जैसे भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, मुंगेर, बिहार शरीफ, पूर्वी चंपारण, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सारण, छपरा, पटना, जहानाबाद जिला में अधीनस्थ स्वर्ग में सशस्त्र गार्ड के यानी सिक्योरिटी गार्ड के 73 पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों जैसे कि केवल भूतपूर्व सैनिक, जैसा कि मैंने पहले बताया, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सशस्त्र गार्ड के पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस विज्ञापन में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं जो निम्नानुसार है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु क्या होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यूनतम जो है सेवा नौसेना, सेना भारतीय वायुसेना, बहुत सारा डिटेल यहाँ पे है, आपको पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको फेसबुक में जाना होगा, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके पूरा विज्ञापन आप पढ़ लेंगे किसके लिए कितना सीट है। चलिए हम फटाफट से जानते हैं, देख सकते हैं, और ये फॉर्म भी आपको हमारे फेसबुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें है PNB में अधीनस्थ स्वर्ग में सशस्त्र गार्ड के पद के लिए आवेदन, सबसे पहले यहाँ पे न्यूनतम रंगीन फोटो चिपकाना है, उसके बाद उम्मीदवार का नाम, जो उम्मीदवार है वो यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, उनके पिता का नाम होगा, पोस्टल कोड के साथ जिले के नाम और राज्य के नाम के साथ पूरा डाक पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पता यानी ईमेल आईडी, 10वीं से अब तक की सभी शैक्षणिक योग्यताएँ, कृपया प्रमाण की फोटो कॉपी संलग्न करें, मैंने 10वीं के बाद जितने भी एजुकेशन आपने लिए हैं उन सभी का जो है फोटो को भी आपको यहाँ पे साथ में देना है। श्रेणी कर बात करें तो SSC, ST, OBC आदि, कृपया प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी संलग्न करना है, जो कि आपको यहाँ अपना प्रमाण पत्र देना है, यानी जाति आपको दे देना है। जन्म तिथि यहाँ पे डालेंगे, सशस्त्र बलों में शामिल होने की तिथि डालेंगे। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर्म हिंदी में है, आप आसानी से पढ़कर खुद भी भर सकते हैं, ठीक है। और सशस्त्र बलों में कुल सेवाएँ, कृपया डिस्चार्ज बुक को की फोटो कॉपी संलग्न करें, आपके जिले का आवासीय, कृपया प्रमाण की फोटो कॉपी संलग्न करें, उस जिला शैक्षणिक बोर्ड का नाम जहां आपका नाम पंजीकृत है, कृपया प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें, यानी इसमें देना है आपको इस फॉर्म के साथ। कोई भी अन्य दस्तावेज यदि कोई हो तो वो भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिनांक डालेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब इसको भेजना कहाँ पे है, चलिए वो जान लेते हैं। तो आप बड़े ही आसानी से भेज सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यदि आप योग्य हैं तो, और उसके मैंने यहाँ पे बता ही दिया है, फेसबुक में आपको मिल जाएगा,
वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन भी पूरी विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो एक जानकारी था जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अगर आप इस टाइप इच्छुक हैं तो आप जो है अप्लाई करें। फिर मिलेंगे एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।